हम पुष्प से इतना भी नहीं सीख पाए कि उस पुष्प के स्थान बदल जाने से उस पुष्प की जो ऊर्जा होती है वो बदल जाती है। यही मनुष्य के साथ होता है और इसीलिए ही ईश्वर को पुष्प चढ़ाए जाते हैं और भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न कलर के भिन्न भिन्न रंग के पुष्प बताए गए। जब पुष्प भगवान को चढ़ जाता है तो हम चाहते हैं मंदिर में चढ़ के भगवान को चढ़ने के बाद वो पुष्प हमारे हाथों में आ जाए, हमारे अंजलि में आ जाए। वो पुष्प पेड़ से परमेश्वर तक पहुंच गया और जब वो पुष्प किसी शरीर के किसी शव के ऊपर रखा होता है, उस पर माला चढ़ी होती है, उस पुष्प का एक अलग होता होता है। जब वही पुष्प विवाह के समय वरमाला में होता है तो उसका अलग कार्य होता है। ये सभी ऊर्जा का ही कार्य बताया गया है कि पुष्प या पेड़ प्रकृति का अंश है जिसके आप अंश हो और आप उसी के समान हो। वो मन की क्रियाएं उसी स्थान पर रह के कर पाता है, वो आप मन की क्रियाओं के लिए अपने स्थान से अनेकों स्थान में जाते हो। वो पेड़ सामान्यतः पृथ्वी में ही रहता है जिस प्रकार से हम और आप। वो पुष्प आप देख लें कि कोई भी पुष्प हो वो किसी ना किसी देवी देवता को अवश्य चढ़ता है, और यदि आप कहते हैं कि ये पुष्प नहीं चढ़ता है तो आपकी जानकारी नहीं है या अधूरी है। इस सृष्टि के हर पुष्प किसी ना किसी देवी और या देवी को चढ़ेंगे। ये क्रिया है मानव और पौधे की, और जब तक ये पौधे रहेंगे तब तक ही मनुष्य रहेगा। जब ये पौधे नहीं होंगे, ये पेड़ नहीं होंगे, तब मनुष्य जीवन भी नहीं होगा। हमारे ग्रंथों ने, हमारे प्राणों ने जो हमारे अंदर निहित है, दोनों ने एक ही चीज समझाई है, एक ही चीज बतलाई है कि जो अंदर का पुष्प है, जब हमारे चक्र होते हैं, हमारे शरीर के सात चक्र हैं, उनको पंखुड़ियों के समान ही माना जाता है। जब हम ऊपर के चक्र में पहुंच जाते हैं तो हमें कमल का फूल की अनुभूति होती है। कलयुग में सब कुछ लक्ष्मी है, कलयुग क्या हर काल में लक्ष्मी सब कुछ रही है। अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी है, और अगर सरस्वती नहीं है तब भी लक्ष्मी। हर काल में लक्ष्मी का एक विशेष स्थान है। लक्ष्मी कमल पुष्प में होती है और कमल पुष्प को हमारे शरीर का ऊपरा स्थान दिया गया। लक्ष्मी को कमल के फूल के ऊपर बिठा दिया। हमें विचार करना चाहिए आखिर फूल में ऐसी क्या ताकत है, क्यों वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में फूल की, पुष्प की इतनी महिमा बताई गई है। वी आर जस्ट लाइक अ फ्लावर, हम भी पुष्प हैं। हमारी इच्छा है, हमारा ही कार्य है, बस उस पुष्प के
पास ये नहीं है कि वह उड़ के खुद नहीं जा सकता है किसी देवी देवताओं के चरणों में या किसी की वरमाला में या किसी अंतिम संस्कार के किसी मृत शरीर के चरणों में। हम उस उसको तीनों स्थानों में पहुंचाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब हम उस पुष्प को वहां तक पहुंचाते हैं तो हम भी उस स्थान पर पहुंचते हैं। और मेरे ख्याल से संसार का लगभग सभी मनुष्य इन तीनों क्रियाओं से वंचित नहीं रहता, अर्थात उसने इसे ऐसा नहीं होता कि अगर इससे नहीं गुजरा है, अगर उसने विवाह नहीं किया तो उसे देखा जरूर होता है, इन सब चीजों को जानता जरूर है, उन पुष्पों के साथ हमेशा खेलता है, उस पुष्प को हाथ में लिए रहता है, चढ़ाता है, लेकिन वो पुष्प पेड़ से लेकर तीनों जगह तक पहुंचा क्यों? मानव को ये सिखाने के लिए तेरे हाथ में है, तू तीनों जगह में से जाना कहां चाहता है? पुष्प अपनी अभिलाषा के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा भगवान के चरणों तक पहुंच जाता, वो इच्छा शक्ति पैदा करता है कि मेरे को उस ईश्वर के चरणों में पहुंचना है। प्रकृति में वो शक्ति घूमती है, व्यक्ति उस पेड़ के समीप से गुजरता है और उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। हम अनजान तौर पर ये कर लेते हैं और हम पुष्प को तोड़ लेते हैं और हमको हम उस स्थान तक पहुंचा देते हैं जहां तक वो पहुंचना चाहता है। और जो पुष्प दूसरे स्थान में जा रहे होते हैं वो अपनी इतनी ऊर्जा को जागृत नहीं कर पाते कि वहां तक पहुंच सके। हम मनुष्य भी पुष्प, बच्चे को पुष्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि तब तक वो निश्चल भाव तक होता है, तब तक हम ये चीज उसे बताएं, योग के विषय में समझाएं, हम उन्हें चक्रों के विषय में दर्शाएं कि वो हमारा कमल का फूल लोटस क्यों है यहाँ पे, वो माँ लक्ष्मी के चरणों में क्यों है कमल, पुष्प क्यों चढ़ाए जाते हैं। ये कथाएं जो बता दी जाती हैं कि पुष्प इसलिए चढ़ाया जाता है, दूध इसलिए चढ़ाया जाता है, हम किस समय जी रहे हैं? इन अ सेकेंड एवरीथिंग इन अवर हैंड, वी शुड थिंक दैट। ये जानवर नहीं जानता है, जानवर पुष्प को तोड़ के उसको ईश्वर के यहां तक नहीं पहुंचा सकता है, ना पहुंचा पाता है। ये मनुष्य में हमारी क्रिया है, वो पुष्प है हमारा मन है, वो टूटेगा, बर्बाद होगा यदि उस पुष्प को कोई पेड़ से नहीं तोड़ेगा तो गिर के नष्ट होना ही है। पेड़ बना रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसका बीज गिरेगा, फिर उससे नया उत्पन्न होगा, फिर कोई बीज गिरेगा, नया उत्पन्न होगा, जिस प्रकार से मनुष्य की आत्मा का रहता है कि नष्ट तो होना नहीं है, चलती रहेगी, शरीर नष्ट होते रहेंगे। उस पुष्प की क्रिया क्या रही? आप अपने पुष्प को ईश्वर के चरणों में चढ़ाने लायक बनाइए। आप चाहते हैं कि मरणोपरांत आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, ईश्वर का स्थान मिले, तो कब मिलेगा? जब ये पुष्प इस प्रकार का बन जाएगा, आपकी आत्मा इस प्रकार की हो जाएगी, जब ये शरीर आपका पुष्प के समान ईश्वर के चरणों में रखने लायक बन जाएगा, तभी ये आत्मा अपने आप उस ऊपर वाले के चरणों में पहुंचने के लायक बन जाएगी।